हमारे व्यूवर्स को कुछ बता दीजिए कि थायराइड के लिए स्पेशली कौन सी आप एक्सरसाइज बताएंगे कुछ अभी? देखिए, थायराइड के लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम, मैंने तो अपने लिए 8 प्राणायाम किए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य और भ्रामरी और उद्गीत। ये भ्रामरी उद्गीत जो प्राणायाम होता है, ये जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, तो उसको रिलीज करता है, तनाव को रिमूव करता है। तो हमारे थायराइड के लिए एक हथेली में पॉइंट होता है ये, इस पॉइंट को अगर हम ऐसे दबाते हुए, ऐसे अंगूठा रख के इसको ऐसे रख के और कपाल भाती भी करते रहें और अपना ध्यान अपने कंठ पे, यहाँ विशुद्धि चक्र होता है जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, इस पे करें और ऐसे भाव से करें, क्योंकि भाव इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे भाव से करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, एक एक झटके के साथ कपाल भाती में जब झटका लग रहा है तो हमारी थायराइड ग्लैंड्स पे भी झटका लग रहा है और हमारा थायराइड जो थायरेक्सिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं वो संतुलित मात्रा में निकलने लगते हैं। जो असंतुलन हो गया था हार्मोन्स का, असंतुलन ही थायराइड के रोग का नाम है। थायराइड तो ग्लैंड्स तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसके हार्मोन्स अप डाउन होने लग जाएं तो थायराइड नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसमें ऐसे थायराइड के लिए ये एक्यूप्रेशर करते रहें, कपालभाति प्राणायाम कम से कम 1 घंटा, कपालभाति सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उज्जयी प्राणायाम 21-21 बार, स्टार्टिंग में 5 बार से लेके 7 बार, 11 बार, फिर बढ़ाते हुए 21-21 बार उज्जयी प्राणायाम ऐसे करें। ये 1 राउंड हुआ उज्जयी का, ऐसे 21 बार होता है। तो 21 बार करने में लगभग 1 बार करने में 30 सेकंड से 40 सेकंड का समय लगता है। तो 21 बार का इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो 10-15 मिनट का हमारा समय लग जाएगा। तो 10-15 मिनट हमारी उज्जयी प्राणायाम में लग जाती है, 1 घंटा हमारा कपालभाति में लग जाता है, 1 घंटा अनुलोम विलोम में, और 11-11 बार जब स्ट्रेस बढ़ता है बीमारी के कारण तो 11 बार हम भ्रामरी और उद्गीत 11 बार। फिर थोड़ी देर मौन रहना पड़ता है, अपने भीतर प्राण को अपने कंठ में, अपने आज्ञा चक्र में महसूस करना होता है, और महसूस यह करना होता है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, अब मुझे कोई रोग नहीं। जैसे जैसे विचार करते हैं वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स बदलने लगते हैं और वैसे हमारे हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं, फिर तनाव भी हमारा दूर चला जाता है और भय भी। फिर उसके बाद हाथों को, हथेलियों को रगड़ते ही और आंखों पर ले लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से हमारा इसको 11 से 21 बार तक भ्रामरी उद्गीत को कर सकते हैं, 21 बार भ्रामरी, 21 बार उद्गीत प्राणायाम। इस प्रकार से हम थायराइड का रोग, एक है थायराइड और शरीर में इससे संबंधित कोई भी रोग है, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आंखों की प्रॉब्लम होती है, हाथों में कंपन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, वोमिटिंग होने का मन हो जाता है, अंदर भय लगने लगता है, कोई भी ऊंची आवाज़ में बोलता है तो भी अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो निर्भय हो जाते हैं, आनंद चित्त रहता है और 24 घंटे चेहरे पर एक लाली बनी रहती है। और जी, जो आप
आपने जो डाइट प्लान के बारे में बताया, जैसे अगर थायराइड होती है या उसके अलावा भी कोई रोग होता है, हाँ, तो कैसे मतलब डाइट प्लान आप क्या फॉलो डाइट, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। डाइट में हमने कभी भी, पहले मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक भी पीता था, अच्छा, फास्ट फूड भी खाता था, और जो है उसके कोल्ड ड्रिंक के साथ ही मैं समोसे वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक के साथ ही खूब खाया पिया करता था, बाहर का बहुत ज़्यादा तला हुआ जी। लेकिन जब से मैंने योग को अपनाया, उसी टाइम पे मैंने सबसे पहले फास्ट फूड को अपनी लाइफ से निकाला, कोल्ड ड्रिंक को अपनी लाइफ से निकाला, और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, किसी प्रकार का भी कोई नशा पता कुछ भी नहीं लाइफ में। तो हमारी लाइफ में जो गलत खान पान है और गलत रहन सहन है, वही हमारे रोगों का कारण बनता है। देर से उठना, चिंता करना, चिंतन करना चाहिए लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करना ये हमारी लाइफ में हमें रोगों को जन्म देता है और हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं रखना चाहिए कि हम दुखी हैं, हम रोगी हैं। तो अगर योग पर एक विश्वास है, आज लोग मुझसे खुद पूछने आते हैं बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मैंने योग को केवल किया ही नहीं, योग को मैंने जिया, ये समझा भी, योग को मैंने, योग अपने जीवन में जिया है, समझा है योग क्या है, उसको अपने जीवन में धारण किया है। योग से मतलब बड़ी से बड़ी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है योग से। योग से चाहे वो थायराइड है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, चाहे वो त्वचा के रोग हैं, ल्यूकोडर्मा है, सिकोडर्मा है, चाहे लीवर सोराइसिस है, किडनी की प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों की किडनी की प्रॉब्लम, किडनी लेवल बढ़ गया था, वो ठीक किया है। हमारे व्यूवर्स हैं ज्यादातर जी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो ज्यादातर परेशान रहते हैं पेट से। तो कुछ टिप्स दे दो आप, टिप्स, ऐसी टिप्स दे दो जो कि मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं खड़े हो जाए एकदम। सबसे पहले तो हमें किसी प्रकार का भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे रात का पका हुआ सुबह खा लिया, सुबह का पका हुआ रात को खा लिया, फ्रेश खाना है। एक तो भोजन हमारा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। दूसरी बात, हम हर एक घंटे में, डेढ़ घंटे में, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक बार भोजन को खाने के बाद कम से कम भी 3 घंटे से 4 घंटे का वक्त उसको पचने में लगता है, और भोजन को जब पचे बगैर ऊपर से ले लेते हैं तो वो अध पक्का भोजन हमारे अमाशय में रह जाता है। तो इसलिए एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो हाँ, पेट से संबंधित सारी बीमारियां इसीलिए होती है। तो हमें एक तो भोजन समय पे करना चाहिए, भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए, भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। भोजन करने से कि तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन करने से पहले तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी होंगी। और जो सलाद वगैरह है, फ्रूट है, वो हम भोजन से पहले ही खाएं, हल्का भोजन पहले खाएं, हैवी भोजन बाद में लें। सलाद हैं, फ्रूट हैं, ये हल्के भोजन में आते हैं, इनको हम खाने से पहले लेते हैं तो इनका पाचन हो जाता है, और इनको खाने के बाद लेते हैं तो इनका पाचन नहीं हो पाता है, हैवी हो जाता है, क्योंकि हमने जो है हैवी भोजन पहले लिया, हल्का भोजन बाद में लिया, हल्का भोजन फिर पच नहीं पाता है, हैवी भोजन को पचने में टाइम लगता है, वो उधर अध पका भोजन अंदर रह जाता है, तो फिर इसलिए पेट के रोग होते हैं। हमें एक तो डेली योग प्राणायाम करना चाहिए, खाने पर, पानी पीने पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और स्ट्रेस आर मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, तनाव सभी रोगों का मुख्य कारण है, और हमें तनाव से बचना तनाव चाहिए जी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जरूर देखें, ताकि आपको भी पता लगे आचार्य जी ने किस प्रकार संघर्ष करके अपने थायराइड को ठीक किया। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका जो 1 लाइक है हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और वीडियो बना सके।
दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइड में देखिए आप स्क्रीन भी चल रही होगी, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट जाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। आचार्य जी आप हमारे चैनल में आए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।